क्या होगा अगर मन की शांति और खुद को जानने का राज बस अपने ही विचारों को सुनना सीखना हो? क्या होगा अगर हम अपने भीतर की आवाज को सुनने की कला में माहिर हो जाएं? यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे सबसे गहरे और सच्चे आत्म से मिलवाती है। हम सबके मन में हर समय विचारों का सिलसिला चलता रहता है। ये विचार कभी शांत होते हैं तो कभी तूफान की तरह। ये विचार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। यही है अंदर की आवाज, हमारा अंदर का संवाद। यह संवाद हमें हमारे असली स्वभाव से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस आवाज को सुनना सीखना ही खुद को पहचानने और मन की शांति पाने का पहला कदम है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। यह हमारे विचारों की प्रकृति को समझने और यह कैसे हमारी दुनिया को आकार देते हैं इस बारे में है। हमारे विचार ही हमारे अनुभवों का निर्माण करते हैं। वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। यह शक्ति हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है या हमें हमारे रास्ते से भटका सकती है। वे हमें ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। वे हमें खुशी से भर सकते हैं या दुख में डुबो सकते हैं। नकारात्मक विचार हमें निराशा और उदासी की ओर ले जा सकते हैं। अपने विचारों के प्रति जागरूक होकर हम उनकी शक्ति को समझना शुरू कर सकते हैं। यह जागरूकता हमें हमारे विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। यह जागरूकता ही सच्ची आत्मनिपुणता की शुरुआत है। जब हम अपने विचारों को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे आत्म से मिलवाती है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। एकहार्ट टोले, जो एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, सोचने वाले को देखना। यह कॉन्सेप्ट हमें अपने विचारों और भावनाओं से डिटैच होने की कला सिखाता है। इसमें हम अपने विचारों से एक कदम पीछे हट जाते हैं और बस उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। यह एक प्रकार का माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने मन की गतिविधियों को बिना किसी हस्तक्षेप के देखते हैं। अपने मन को एक स्टेज समझो और अपने विचारों को एक्टर्स। यह विजुअलाइजेशन टेक्निक हमें अपने विचारों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करती है। ड्रामा में खुद को खो देने के बजाय आप ऑडियंस में एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यह ऑब्जर्वर का रोल हमें इमोशनल डिटैचमेंट और क्लैरिटी प्रदान करता है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे। यह पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों से उभरते हैं। आपको बार बार आने वाले थीम्स, चिंताएं और परेशानियां दिखेंगी। यह रिकरिंग थीम्स हमारे जीवन के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और फियर्स को दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण है इन विचारों को बिना जज किए देखना। जजमेंटल एटीट्यूड हमारे ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर सकता है। उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत बताकर बहमत जाओ। लेबलिंग से हम अपने विचारों को कैटेगराइज करने लगते हैं, जो कि ऑब्जर्वर की न्यूट्रलिटी को प्रभावित करता है। बस उन्हें ऑब्जर्व करो जैसे वो है। यह सिंपल येट प्रोफाउंड प्रैक्टिस हमें सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस की ओर ले जाती है। धीरे धीरे हम अपने विचारों के प्रति एक नई अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस विकसित करते हैं। हम में से बहुत से लोग एक मेंटल इको चेंबर में रहते हैं। हम एक ही नेगेटिव थॉट्स को बार बार दोहराते हैं जिससे उनका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। ये विचार गहरे समा जाते हैं जो खुद के और दुनिया के बारे में हमारे नजरिए को आकार देते हैं। हम खुद को सेल्फ डाउट, डर और चिंता के चक्रों में फंसा हुआ पा सकते हैं। यह नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत नुकसानदेह हो सकता है। यह हमारे आत्मसम्मान को कम करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं, नेगेटिविटी के एक चक्र में फंस जाते हैं। आइए सारा की कहानी पर विचार करते हैं। सारा एक बुद्धिमान और केपेबल युवती थी, लेकिन वह बहुत सेल्फ डाउट से जूझती थी। उसकी इनर वॉइस लगातार आलोचनाओं से भरी रहती थी। तुम काफी अच्छी नहीं हो, यह फुसफुसाता था। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगी। ये विचार जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे पीछे खींचते थे। एक दिन सारा को वॉचिंग द थिंकर का कॉन्सेप्ट पता चला। वह अपने विचारों पर ध्यान देने लगी, उन्हें बिना जज किए ऑब्जर्व करने लगी। उसने गौर किया कि उसकी इनर वॉइस कितनी बार नेगेटिविटी से भरी होती है।
यह अवेयरनेस उसके सफर में एक टर्निंग पॉइंट थी। पांचवा भाग, अंदर से मुक्ति। जैसे जैसे सारा अपने विचारों को ऑब्जर्व करती रही, उसे एहसास हुआ कि उसके पास चुनाव करने की ताकत है। उसे अपने मन की हर बात मानने की जरूरत नहीं थी। वह उन नेगेटिव थॉट्स को चुनौती दे सकती थी और उन्हें ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स से बदल सकती थी। धीरे धीरे सारा खुद को नेगेटिविटी के इको चेम्बर से आजाद करने लगी। उसने अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने सेल्फ क्रिटिसिज्म को सेल्फ कंपैशन से बदल दिया। उसके नजरिए में आए इस बदलाव का उसकी खुशहाली और जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा। छठा भाग, मौजूदगी की ताकत। वॉचिंग द थिंकर का अभ्यास प्रेजेंस को बढ़ाता है। जब हम अपने विचारों में खोए रहते हैं तो हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। हम वर्तमान क्षण की सुंदरता और पूर्णता को खो देते हैं। अपने विचारों के प्रति जागरूक होकर हम उन्हें जाने देना चुन सकते हैं। हम अपना ध्यान यहां और अभी पर वापस ला सकते हैं। यही सच्ची शांति और खुशी निवास करती है। सातवां भाग, रिश्तों में सामंजस्य। यह प्रैक्टिस सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही हमें लाभ नहीं पहुंचाता, यह हमारे रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब हम ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के प्रति ज्यादा अटेंटिव होते हैं। हम ज्यादा गहराई से सुनते हैं और ज्यादा एम्पथी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। हम कम रिएक्टिव और ज्यादा समझदार बनते हैं। यह बदलाव हमारे रिश्तों को बदल सकता है, ज्यादा गहरे संबंध और ज्यादा सामंजस्य पैदा कर सकता है। आठवां भाग, वर्तमान को अपनाना। जिंदगी वर्तमान क्षणों का एक सिलसिला है। हर पल हर क्षण एक अनमोल उपहार है जो हमें दिया गया है। फिर भी हम अक्सर इन पलों को अपने मन की उलझन में खो देते हैं। हमारे विचार, हमारी चिंताएं और हमारी योजनाएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। अपने मन की आवाज पर काबू पाकर हम वर्तमान क्षण को फिर से पा सकते हैं। यह एक साधना है, एक अभ्यास है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को शांत करें और अपने भीतर की शांति को खोजें। हम हर अनुभव की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और ज्यादा ध्यान से जी सकते हैं। जब हम अपने चारों ओर की छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखते हैं तो हमें उनकी असली सुंदरता का एहसास होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें फिर कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करें और फिर उन्हें जाने दें। लेकिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम यह चुन सकते हैं कि हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करें। हम अपने प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। हम इस बहाव में बहने से बच सकते हैं और इसके बजाय इस केओस के बीच शांति पा सकते हैं। यह शांति हमें हमारे भीतर की गहराई में मिलती है, जहां हम सच्चे अर्थों में वर्तमान को अपनाते हैं और जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। नौवां भाग, माइंडफुलनेस का आह्वान। मैं आपको खुद को जानने के इस सफर पर निकलने के लिए आमंत्रित करता हूं। बस अपने विचारों को ऑब्जर्व करके शुरुआत करें। पैटर्न्स, बार बार आने वाले थीम्स पर ध्यान दें। जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जैसे जैसे आप ज्यादा अवेयर होते जाएंगे, आप खुद खुद ज्यादा पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स की ओर आकर्षित होते जाएंगे। अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करें। अपने सफर के बारे में दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से बात करें। साथ मिलकर हम माइंडफुलनेस और शांति की एक लहर पैदा कर सकते हैं। दसवां भाग, मन की शांति की आपकी यात्रा। मन की शांति की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, अंदर की आवाज को सुनना। अपने विचारों को समझकर हम सेल्फ अवेयरनेस का द्वार खोलते हैं और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए हम उस गहरी शांति और कहुशी का अनुभव करते हैं जो हम सभी के भीतर निवास करती है। याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, साक्षी हैं। प्रेजेंस की शक्ति को अपनाएं और अपने अंदर छिपी अद्भुत क्षमता को उजागर करें।